गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा. डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया. डियर स्टूडेंट, लिसन टू मी केयरफुली. द लास्ट टॉपिक इज द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग. यहाँ पर जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब ये है कि कैसे बहुत सारे लोगों में एक साथ एक जैसा होने की जो सेंस क्रिएट हुई, उसको हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कहते हैं. इसको हम थोड़ा देखते हैं किस प्रकार से एक भावना लोगों में जागृत हुई, उसके लिए किस क्या क्या एफर्ट किए, किन लोगों ने एफर्ट किए. देखो, रेवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे, जो मूवमेंट चला रहे थे, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता लाने में और लोगों को इकट्ठा करने में, कलेक्टिवनेस लाने में जो भूमिका निभाई है, उसके बारे में हम बात करेंगे. उसी के इसमें दिया गया है. आप इसमें देखिएगा, ये जो आपका पेज दिया गया है, इसमें बाल गंगाधर तिलक, ए अर्ली 20th सेंचुरी प्रिंटेड नोटिस, हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय द सिंबल ऑफ द यूनिटी, द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिफरेंट फेथ्स, टेंपल, चर्च, मस्जिद फ्रेम द सेंट्रल फिगर. अब इसमें देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक आपको दिया गया है. यहाँ पर जो हैं, जितने चारों कोनों पर आप देखिएगा, डिफरेंट जो आपके रिलीजन्स हैं उनके जो साइन इस पर बने हुए हैं, या मॉस्क्यू बना हुआ है, या टेम्पल बना हुआ है. यहाँ पर अदर जो रिलीजन्स हैं, जिन कहीं पे चर्च बना हुआ है, तो ये सभी उसमें बने हुए. इसका मतलब क्या दिखा रहा है ये पिक्चर, क्या शो करता है? यूनिटी दिखाता है कि वी आर ऑल इक्वल, वी आर यूनाइट, हम इक्वल हैं और हम सब एक हैं, ये चीज़ें इसमें दिखा रहा है. तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे आपका, अब देखिएगा थोड़ा सा गौर से, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको बिल्कुल भी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसलिए एनसीईआरटी की बुक हम यूज़ कर रहे हैं. इसमें देखिए, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन. अब नेशनलिज्म कब आता है? नेशनलिज्म की हमने पहले शुरू में डेफिनेशन दी थी. नेशनलिज्म यूरोप में भी दिया था, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में भी दिया है, कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जब लोगों में एक ही प्रकार का सेंस आने लगे कि हम सब एक हैं. और वो कैसे आएगा? वो किसी भी चीज़ पर, कोई भी चीज़ शेयर करें आप, भाई चाहे तो आप उनका प्रोटेस्ट शेयर करें, चाहे कोई ऐसा जो हेरिटेज शेयर करें, या कोई भी आइडियाज़ आप शेयर करें, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ शेयर करें, तो जिससे कि ये लगे कि हम सब एक हैं, वी आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन, तो तब ये सेंस आता है. व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, यानी कि जब ऐसा कोई चीज़ ढूंढते हैं जो लोगों को बाइंड करता है एक होने के लिए. जैसे अभी बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं. ब्रिटिशर्स भारत में आए, पहले जो लोग बहुत अलग अलग थे, बाद में भी अलग अलग रहे, लेकिन मोस्टली जो जनता थी, इंडियन थी, वो सारे एक साथ हो गए, और उन्होंने एक मास एजिटेशन, एक मास प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो क्यों किया? कारण था कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ बनाया था, ऐसा रूल ऑफ लॉ यानी कि जो सबके लिए एक समान था, सब भारतीयों के लिए एक समान था, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं था. तो इससे जो भारतीय थे वो समझने लगे कि हम सब लोग एक हैं, उनमें एक सेंस क्रिएट हुई, तो ये चीज़ें इसमें आई, बाइंड देम टुगेदर. बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन माइंड्स ऑफ पीपल, लेकिन नेशन की जो डेफिनेशन है लोगों के दिमाग में कैसे बनी? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो इंडिया है, एक में पता है कि डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ है, यहाँ पर बहुत सारी विविधताएँ हैं, फिर भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर रिलीजन है और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो वो किस प्रकार से एक सेंस में क्रिएट हुए, एक सेंस में बंधे. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल. अब ये जो सेंस कैसे आई, धीरे धीरे क्या है, एक यूनाइटेड स्ट्रगल हुआ, इकट्ठा स्ट्रगल किया, जैसे दांडी मार्च किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, जैसे तो और बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल किए, उसके थ्रू लोगों में सेंस क्रिएट हुई. बट देयर वर आल्सो ए वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्क एंड सॉन्ग्स एंड पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स. तो ये सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के गीत हैं, संगीत हैं, जो पॉपुलर जो प्रिंट्स हैं, जैसे पिक्चर हो जाती हैं किसी की, कोई सिंबल्स हैं, ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. यानी कि जो स्ट्रगल किया है, मूवमेंट किया है, उसके बाद भी
क्योंकि केवल स्ट्रगल, चाहे वो वॉयलेंस हो चाहे नॉन वॉयलेंस हो, से ही उसका एक कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं आती। कलेक्टिव बिलोंगिंग के तो कोई भी कारण हो सकते हैं, तो इसमें क्या चाहे क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, अगर यू आर ए इंडियन और यू आर सर्वाइंग सर्विस यू आर सर्वाइविंग इन अमेरिका, आप अमेरिका में सर्वाइव कर रहे हो, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिएगा क्या, अगर इंडियंस वहाँ पे पहुँच जाता है और दूसरा इंडियंस वहाँ पे मिल जाता तो भाई की तरह समझता है। तो क्यों है? क्योंकि हम एक ही नेशन से, हमारे कुछ ना कुछ शेयर हो रहा है, चाहे हमारी मातृभूमि शेयर हो रही है, चाहे हमारा लैंग्वेज शेयर हो रही है, चाहे हमारा कल्चर शेयर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल रखती हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कलेक्टिवनेस कहीं से भी आ सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाया हुआ है आपको भारत माता का। अभी हमने पिछले चैप्टर में नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा था एलगोरी। एलगोरी क्या था? जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम एक पिक्चर का रूप दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एलगोरी। तो जिससे क्या एक सेंस हो जाता है, एक सेम सेंस क्रिएट हो जाता है। भारत माँ की अगर इमेज की बात करेंगे तो चाहे केरला की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, तो ये पिक्चर निकल कर आती है, क्योंकि हमने ये सेंस अपनी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है इसको हमने एक स्टैचू का रूप दे दिया, एक पिक्चर का रूप दे दिया है। तो अब उसके लिए ये कौन लोग काम करते हैं, ये लोग कौन काम करते हैं, आपके राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, या आपके फिलोसफर्स हैं, ये सभी ये काम करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, नेशन की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, एज यू नो चैप्टर वन में आपने देखा होगा, द मोस्ट ऑफ्टन सिम्बलाइज ए फिगर ऑफ और इमेज, यानी कि जो नेशन का जो आइडेंटिफाई है मोस्टली क्या, वो इमेज के रूप में दी गई है। दिस हेल्प्स क्रिएट इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। इट वाज द ट्वेंटी सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। ये सब जो इंडिया में कब आया, 20th century में आया, जब हमने एक नेशन का, अपने नेशन की एक आइडेंटिटी बनाई, और किसके रूप में, एक वोमेन फिगर जिसे हम भारत माता बोलते हैं, भारत माता के रूप में बनाई। आपको पता है हमने नेशनलिज्म यूरोप में भी बताया था कि मोस्टली जो है नेशन की जो आइडेंटिटी है एज ए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है, वो हमने मोस्टली क्या, मैक्सिमम कंट्रीज़ ने क्या, वोमेन फिगर के रूप में बनाए हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि जैसे माता अपने बच्चे को पालती है, ऐसे ही एक देश उसके सिटीज़न को, उसके नागरिक को पालता है, तो इसलिए माता की तरह ही देश को समझा गया। तो इसलिए मोस्टली जो पिक्चर्स हैं दैट इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द वोमेन, इसको थोड़ा सा आप ज़रूर मार्क कर लेना। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ये जो इमेज है किसके द्वारा क्रिएटेड की गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आ जाता है। द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड, सबसे पहले जो इमेज बनाई गई किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चटर्जी भी कभी कभी आपको मिल सकता है, इसमें आप हो ना हो, लेकिन आप बंकिम चंद्र को जरूर याद रखें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन 1870 ही रोट वंदे मातरम एज ए हेम्स टू बी मदरलैंड। उन्होंने मदरलैंड के लिए अपना जो हेम्स लिखा था, वंदे मातरम, यानी कि जो आज के डेट में हमारा राष्ट्रगीत के रूप में भी आता है, तो वंदे मातरम 1870 में लिखा था अपनी माता के लिए, भारत माता के। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन द नोवल, उसके बाद में वो उन्होंने अपना एक नोवल लिखा था आनंद मठ, एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। और आनंद मठ में जब ये नॉवल में लिखा था, तो जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, बाइकआउट कर रहे थे हम विदेशी सामान की, विदेशी इम्पोर्ट जो सामान हो रहा था, जो यूज हो रहा था भारत में, तो उसका जब हम कर रहे थे, तो ये गाना, ये जो आप जो गीत था ये गाया जा रहा था, वंदे मातरम। आपने देखा भी होगा बहुत सारी राष्ट्र के रूप में जो राष्ट्रभक्ति की जो मूवीज आई हैं, उसमें वंदे मातरम आपको ज़रूर मिलेगा, तो ये तभी से चला आ रहा है, आप इसको देख लेंगे। एंड वाइडली संग इन द, और स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में मोस्टली गाया गया। मूड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। जब मूड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, जब स्वदेशी मूवमेंट के तहत जो है अबिंद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंटेड किया फेमस भारत को, पहले क्रिएट किया उन्होंने और इसको पेंटिंग किसने किया, अबिंद्रनाथ टैगोर ने। थोड़ा सा इसको ध्यान करना, क्रिएट किसने किया और इसको फर्स्ट प्रिंट किया, तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसमें आप इसको ज़रूर मार्क कर लें। और दूसरी चीज़, आप इसमें 1-1 marks के क्वेश्चन, जैसे अभी जो हम लाइन फिगर कर रहे हैं, जो आपको जो अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर देख लेंगे।
अब इसको आगे देखते हैं आगे। मूड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। ये आपकी भारत माता की पिक्चर दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं, भारत माता रविन्द्रनाथ टैगोर 1905। नोटिस दैट द मदर फिगर इज ए सॉन एज ए डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग। ये सब दिखा रहा है कि जो माता है वो सब क्या है, आपको सिखा भी रही है, भोजन भी दे रही है, क्लोथ भी दे रही है। द माला इज वन हैंड एम्फेसाइज हर एंसेंटिक क्वालिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राई टू डेवलप हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन इन ट्रूली इंडियन। तो अभी जो है जो इन्होंने किया है, पहले जो रवि वर्मा ने थी तो वेस्टर्न स्टाइल में की थी, अभी आपके इस चैप्टर अभी इस वाले कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रिंट कल्चर में है वो आपका, जो पहले कंपलसरी था, अभी वो थोड़ा सा ड्यू टू द लॉकडाउन कोविड-19 के थ्रू काट दिया गया। तो उसमें दिखाया कि रवि वर्मा ने जो वेस्टर्न स्टाइल पर पिक्चराइज किया गया था, पेंटिंग की थी, लेकिन ये शुद्ध भारतीय की तरह भारतीय शैली में यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको पेंट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, सी इन द काल कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल इन सबसिक्वेंट वी आर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट एंड वॉज पेंटेड बाई डिफरेंट आर्टिस्ट। डिवोशन ऑफ दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ द वन नेशनलिज्म। अब इसमें बताया है कि इसमें जो जो इस प्रकार की जो पिक्चराइजेशन किया गया था, डिफरेंट जो पेंटर्स ने डिफरेंट टाइप से किया था, तो इससे क्या एक सेंस तो क्रिएट होती है नेशनलिज्म की, एक कॉमन आइडेंटिटी तो बनती है कि हाँ हम लोग इसके हैं। अब आगे आ जाइएगा, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट ऑफ रिवाइव इंडियन फोल्क। अच्छा दूसरी चीज़ एक बार बताएं, अभी आपने उसमें रोमांटिक इमेजिनेशन पढ़ा था, फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें फोल्क फ्लोर थे, फोल्क डांसेस थे, और जो ओपरा में भी वो गाते थे। तो इसी प्रकार से ये जो मूवमेंट हुए हैं, जो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोल्क फ्लोर, जो क्षेत्रीय के जो गीत थे, संगीत थे, उनसे भी ये हमें एक कॉमन सेंस क्रिएट हुई है। इन द 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोल्क टेल्स, जो है क्षेत्रीय भाषाओं की जो कहानियाँ हैं, संग बाय द बार्ड्स एंड देश टोड विलेज टू। बार्ड्स क्या होते हैं, भाट होते हैं। पहले गांवों में क्या था, हमारे यहाँ रिक्रिएशन के लिए कोई ऐसी पिक्चराइजेशन तो था ही नहीं, कि टेलीविज़न था या कुछ ऐसी था, एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे, तो गांव-गांव में भाट जाते थे। भाट बोलते हैं जो किसी कहानी को गा गा कर सुनाते हैं। तो वो जो थे जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की कहानी, जैसे आला उदल है, आला उदल को गा गा कर सुनाते थे, या फिर पहले ढोला होता था, ये सब चीज़ें होती थी। तो वे गांव-गांव में घूमते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे और वो सुनाते थे उन कहानियों को। दीज टेल्स ये स्टोरी दे बिलीव्ड गेव ए ट्रू पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर। ये जो स्टोरी थी हमारा जो कल्चर था, जो पारंपरिक जो हमारा कल्चर था उसको शो करती थी। दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द आउटसाइडर फोर्स, जो हमारे जो आउटसाइडर फोर्स ने उसको करप्ट कर दिया, उसका विनाश कर दिया है, उसको नुकसान पहुंचा दिया है। इट वाज इसेंशियल टू प्रिजर्व, इसको ज़रूरी है, ये उसके थ्रू ये क्या संदेश देते थे कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो बहुत अच्छा है, और जो हम विदेशी हमारे यहाँ पर आए हैं उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया, और इसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमें इसको सुरक्षित करना चाहिए। फोल्क ट्रेडिशन इन द ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशनल आइडेंटिटी, और जिससे क्या हमारा एक नेशनल आइडेंटिटी बनेगा, एंड रीस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास, जैसा हमारे पहले गर्व करते थे हम अपने देश पर, उसको हम दोबारा से प्राप्त करें। बंगाल की बात करें, इसमें जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिव ब्लार्ड्स, ठीक है, उन्होंने भी जो ब्लार्ड्स थी, जो हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो कहानियाँ थी और वैसे जो जिसमें गाकर बोल सुनाया जाता था, उनको कलेक्ट किया। नर्सरी रेम्स एंड मेथ्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की, और उसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें आपका एक पिक्चर भी दिखाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इसमें पॉपुलर प्रिंट है, नेहरू इज सोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड मैप ऑफ इंडिया, इसमें दिया गया है, यहाँ पर इसमें एक मैप ऑफ इंडिया का दिया हुआ है, और ये जो भारत माता की तस्वीर एक बुक पर प्रिंट की हुई है, यानी कि जो भारत है पूरा, जो आपका जो एरिया है उसको एक फीमेल फिगर एलगोरी के रूप में इन्होंने दे दिया है, ये आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है रिवाइवल इन मद्रास,
नटेशा शास्त्री, यहाँ पे देखिएगा नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ द तमिल फोक टेल्स। अब तो इसको देखकर क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में वो अपने अपने लोग पब्लिश करने लगे। यहाँ पे आपको दिया है नटेशा शास्त्री, नटेशा शास्त्री बात करें, उन्होंने मद्रास की बात करें, पब्लिश किया 4 वॉल्यूम का एक कलेक्शन किया, तमिल फोक टेल्स था, उसमें तमिल की कहानियाँ थी, इसमें द फोल्कलोर ऑफ द साउथर्न इंडिया, जो साउथर्न इंडिया के जो क्षेत्रीय जो उसमें संगीत था या जो भी स्टोरीज थी वो सारी उन्होंने दी। ही बिलीव द फोल्कलोर वाज नेशनल लिटरेचर, उन्होंने कहा कि जो हमारी क्षेत्रीय हैं ये जो हैं वो हमारी नेशनल लिटरेचर है, हमारा राष्ट्रीय साहित्य है। इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैसिफिकेशन ऑफ द पीपल्स रियल थ्रू द इस करेक्टरिस्टिक्स, लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तो इसी पर्पज़ से उन्होंने काम किया। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप नेशनलिस्ट लीडर बीकेम मोर एंड मोर अवेयर सच आइकॉन्स एंड सिम्बल, जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो जो ये सिम्बल्स थे, आइकॉन्स थे, जो प्रतीक थे, उनके प्रति वो बड़े सजग हो रहे थे और उसको यूज़ कर रहे थे। वो उनके दिमाग में भी ये बात आ गई थी कि इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो वी कैन बी यूनिफाई द पीपल, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एंड इंस्पायरिंग देम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उनमें हम नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। डूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट बंगाल ट्राई कलर फ्लैग, अगर बात करें वही जब बाइकॉट कर रहे थे तो उसके बंगाल में तो ट्राई कलर का एक फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो, आज वाला नहीं उस समय वाले जब मूवमेंट चल रहा तो रेड ग्रीन और येलो कलर का वाज डिज़ाइन किया गया। क्यों डिज़ाइन किया गया? क्योंकि अपनी डिग्निटी बनाने के लिए। इट हैड 8 लोटस, इसमें आप देखिएगा उसमें क्या था, उसमें 8 लोटस थे, इसको थोड़ा ध्यान कर लेगा, 8 provinces ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो 8 लोटस जो साइन क्या कर रहे थे वो जो 8 provinces थे, जो राज्य थे जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में बनाए थे इंडिया को रूल करने के लिए, वो उसमें साइन किए हुए थे ब्रिटिश, एंड ए क्रिसेंट मून, और एक जो अर्धचंद्र जो यानी आधा चांद दिया हुआ था, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, जो हिंदू एंड मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। बाय 1920 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, गांधी जी ने 1920 में एक स्वराज का फ्लैग भी डिज़ाइन किया था। इट वॉज अगेन ए ट्राई कलर, वो अलग ट्राई कलर का था, रेड ग्रीन एंड वाइट, ये ध्यान देखना है पहले कौन से कलर का था, आप इसमें देखेंगे रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है, जो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट में कराया गया था, जब गांधी जी ने एक ट्राई कलर फिर बनाया था 1921 में तो उसका था रेड ग्रीन एंड वाइट, यहाँ पर येलो की जगह क्या आ गया आपका वाइट आ गया है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील, जिस पर जो एक चरखा भी था, जो चरखे से हम सूत काटते हैं वो भी उस पर बना हुआ था, एट द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधियन आइडियल, इसमें गांधी के आदर्श दिखाए थे, सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की मदद करना, क्योंकि जभी तो हम स्वदेशी मूवमेंट को हम सफलतापूर्वक पा सकते थे। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग ए लव ड्यूरिंग द मार्च बिकम ए सिंबल ऑफ डिफाइंस, जब मार्च कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उस फ्लैग को अपने हाथ में लिए हुए थे, दैट बिकम द सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म, दैट बिकम द सिंबल ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसमें अनदर, अब देखिएगा आगे, अनदर मीन्स ऑफ द क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म वाज थ्रू द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, बाय द एंड ऑफ द 19th century मैनी इंडियंस बिगेन फीलिंग दैट टू इंस्टील ए सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थ्रू अबाउट द डिफरेंटली, तो जैसे जैसे ये पढ़ाई ये चलता रहा तो जो लोग जो हैं अपने जो हमारे यहाँ पर जो कल्चर था, हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री थी उसको पढ़ने लगे, और पढ़ने पर क्या वो प्राइड करने लगे, गर्व करने लगे, हमारा नेशन तो वाकई में इनसे बहुत ज़्यादा आगे था। हैड टू बी थ्रू आउट द अबाउट डिफरेंटली द ब्रिटिश सा इंडियंस एज ए बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, ब्रिटिश क्या बोलते थे, भारतीय क्या है, पिछड़े हुए हैं, और ये क्या है, प्रिमिटिव है, यानी कि प्राथमिक, आप समझ सकते हैं कि पहले जैसे लोग आदि मानव की तरह हैं, यानी कि जो प्रारंभिक मानव की तरह हैं, इनकैपेबल टू गवर्निंग देम सेल्फ, वो ये सोचते थे कि ये अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल,
In response, Indian began looking into the past of discover Indians' great achievement. जब ये सोचे तो इंडियंस के लोगों ने क्या करा, भारतीय लोगों ने क्या करा, भाई हमने पास देखा, हमने बहुत सारा अचीवमेंट किया था, हमारे यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए थे, आर्यभट्ट जैसे भी हुए थे, रामानुज, ये सारे सब कुछ हुए थे, और जो आपका है डेसिमल की बात करें या बहुत सारी जो हमने डिस्कवरीज़ की हैं, बहुत सारे साहित्य लिखे हैं, वेद भी लिखे गए हैं, तो हमने देखा तो ये तो हमने देखा कि ये तो हम पे झूठ थोप रहे हैं, ये तो बराबर सारा झूठ बोल रहे हैं। तो जबकि हमारा जो जो पास्ट है, पास्ट हिस्ट्री है, इन लोगों से बहुत अच्छा है। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट एंड एंशियंट टाइम, उन्होंने उसके अगेंस्ट में जो हमारा एंशियंट टाइम में जो ग्लोरी था उसके बारे में लिखना शुरू करा। व्हेन आर्ट एंड एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉज एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड फ्लोराइज, इससे क्या था, सभी जगह जो हम ये आपने को बताया, आर्किटेक्चर की बात करें, भवन निर्माण की बात करें, या आर्ट की बात करें, साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो ये सारी जितनी फिलोसफी है इन सबको उन्होंने फ्लोराइज करना शुरू कर दिया। द ग्लोरी time in their views was followed by the history of decline when India was colonized. और उन्होंने ये भी जाना कि जब पहले तो हमारा बहुत अच्छा था, इन सब में हम बहुत डेवलप कर रहे थे, हमारी बहुत ख्याति थी, हमारा बहुत प्राइड था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो हमारी जो ग्लोरी थी, जो हमारा सम्मान था, वो सारा कम होने लगा था। नेशनलिस्ट हिस्टोरीज अर्ज टू द रीडर्स टू टेक प्राइड, जो नेशनलिस्ट थे जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा, जो रीडर्स जो पढ़ रहे थे, कि हमें अपने जो यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, और हमें जो है, जो हमारा अचीवमेंट था पास्ट में, उससे हमें सीख लेनी चाहिए, और जो अब हमारी स्थिति है अंडर द ब्रिटिश रूल, हमें उससे जो हमारी बहुत दुखदायी स्थिति है उससे हमें छुटकारा पाना चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। दिस एफर्ट टू यूनाइट पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, लेकिन एक बात है, जब आपको कोई सफलता लेनी है, ब्रिटिश से जैसे हमें आज़ादी लेनी थी, तो ये कोई भी सफलता लीजिएगा, अगर आप अपने सक्सेस की बात करें, 10th क्लास की बोर्ड की क्लास है आपकी, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे ऐसी 80/80 मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसे जनरली आ नहीं सकते, तो यू हैव टू बी टेक सम प्रॉब्लम्स, आपको रातों को भी जागना पड़ेगा, थोरोली आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से जब इंडिया को यूनाइट करना था, यूनिफाई करना था, तो देयर विल बी ए सम प्रॉब्लम। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेज सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, देन द पीपल अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। तो पहले जब बताया था कि पहले हिंदू ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, तो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो चल रहे थे, बाकी दूसरों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके बाद में वो लोगों ने सोचा कि अब ऐसा नहीं, कि अभी जो हम हैं सबको एक साथ कलेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अभी जब नेशनलिज्म यूनिफिकेशन चल रहा है इंडिया का, कि नेशनलिज्म की सेंस क्रिएट हो रही है, उसमें पोएट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉन वायलेंस जो स्ट्रगल करने वाले जो हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, चाहे सत्याग्रही आप उनको बोल सकते हैं, चाहे उन्हें जो गरम दल के नेता बोल सकते हैं, जो डायरेक्टिव वैसी बात करें, तो कुल मिला के इन सब ने एक सेंस क्रिएट किया कि वी आर इंडियन, वी आर द सेम, वी हैव द इक्वल लेवल इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो दे बिकम यूनिट, यूनाइट यूनिट एंड दे स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड गॉट द फ्रीडम। एट द लास्ट कंक्लूजन, ए ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज दस ब्रिंगिंग टूगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेज ऑफ इंडियन इन टू द कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, यानी कि फर्स्ट हाफ द 20th century में जो है बहुत सारे जो क्लासेस थे, ग्रुप्स थे, तो चाहे डिफरेंट प्लेसेस के थे, वो लोग एक साथ आए फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century में। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप महात्मा गांधी ट्राई टू बी चैनल पीपल्स ग्रेवेंसेज इन टू द ऑर्गेनाइज मूवमेंट ऑन द इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने ये कोशिश की कि जो ऑर्गेनाइज मूवमेंट किया जाए, ताकि जो लोगों का जो दुख है, जो हमारे भारतीय लोगों का दुख है, वो दूर किया जा सके। उसके लिए उन्होंने मूवमेंट भी चलाए, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट आपने भी चलाए थे, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, अल्टीमेटली दे यूनाइट। बट एज वी सीन डाइवर्स ग्रुप ऑफ द क्लासेज पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट विद द वेरीड अप्रिशन, लेकिन आपने देखा है डिफरेंट पीपल
उसका जो भी मूवमेंट में रहे उनका डिफरेंट आइडियोलॉजी रही, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए उसमें काम किया, वो बाद में किया वो अलग चीज़ है, यूनाइट हुए, लेकिन इनिशियली में जब पार्टिसिपेट कर रहे थे दे आर थिंकिंग दे आर सेल्फ, जो उनका रेस्पेक्ट था या सेल्फ बेनिफिट था उसके लिए वो काम कर रहे थे, और कुछ लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो ये आप देख सकते हैं, द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजोल्व डिफरेंसेस, कांग्रेस ने हमेशा एक कोशिश की है जो भी डिफरेंसेस है उसको ख़त्म कर दिया जाए, एंड इंश्योर दैट डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट अलाइनेट टू अदर, और ये भी इंश्योर किया कि एक व्यक्ति की जो डिमांड है वो दूसरे को एलिमिनेट ना करे, ये चीज़ को ध्यान में रखा। दिस इज स्पेशली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ्टन ब्रोक डाउन, द हाई पॉइंट्स ऑफ द कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय द फेसिस ऑफ द डिसयूनिटी एंड द इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप। ये बीच में चलता रहा भाई, लोग यूनाइट भी हुए फिर बीच में टूट भी गए, फिर जो है ये फेस चलते रहे, कांग्रेस के सेशन में भी चलते रहे और इस फ्रीडम स्ट्रगल में भी चलते रहे। अल्टीमेटली इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज अमर्जिंग वाज ए नेशन विद मैनी वॉइसिस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। अल्टीमेटली लोग यूनाइट हुए, मैक्सिमम वॉइस लोगों की आवाज़ हुई कि वी नीड टू बी फ्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। तो दैट इज़ द चैप्टर, इट इज़ द On the completion of this chapter, I will say only that you have to be go through deeply point by point, क्योंकि इसमें से आपके 1-1 marks के question भी आते हैं और कई बार इसके questions आपसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम कल आपसे discuss करेंगे। Thank you, have a nice day.